दिवाली पर जिसकी सबसे ज्यादा रहती है धूम। जुआ खेलना दिवाली पर शुभ या अशुभ? क्या मां लक्ष्मी जुआ खेलने से होती हैं खुश? जुए से बढ़ेगा धन या होगा बड़ा नुकसान? दीपों के त्योहार दीपावली की रात कई मान्यताएं और परंपराएं निभाई जाती हैं। ऐसी कई परंपराएं होती हैं जिससे दिवाली का पर्व और भी खास हो जाता है। ज्यादातर लोग दिवाली की रात जुआ और पत्ते खेलते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ये शगुन है। इसका मुख्य लक्ष्य साल भर के भाग्य की परीक्षा करना है। दीपावली की रात जुआ खेलना इसलिए शुभ है क्योंकि कार्तिक मास की इस रात को भगवान शिव और माता पार्वती ने चौसर खेला था जिसमें भगवान शिव हार गए थे। तभी से दिवाली की रात जुआ खेलने की परंपरा जुड़ गई। हालांकि इस बारे में कोई ठोस तथ्य देखने को नहीं मिलता। वैसे दीपावली की रात शगुन की रात मानी जाती है और इसमें माता लक्ष्मी का घर आने के लिए आह्वान किया जाता है। दिवाली की रात जुआ खेलना साल भर जीत हार का संकेत माना जाता है। माना जाता है कि इस रात जुए में जो जीतता है उसका भाग्य साल भर चमकता रहता है और आर्थिक रूप से उसको कोई परेशानी नहीं होती। वहीं हारने पर धन हानि का संकेत माना जाता है। दीपावली की रात अगर आप जुआ खेल रहे हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि यह केवल एक खेल है जो केवल एक रात के लिए शगुन के तौर पर खेला जाता है। एक सर्वे में मिली जानकारी के अनुसार जुआरी सबसे पहले दिवाली की रात जुआ खेलते हैं और फिर उनको धीरे धीरे लत लग जाती है, इसलिए इस खेल का अपने ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ने दें। चलिए अब आपको इसके इतिहास के बारे में बताते हैं। दरअसल महाभारत का युद्ध भी जुए की वजह से ही हुआ था। दुर्योधन और शकुनी ने साथ मिलकर छल कपट से पांडवों को जुए में हरा दिया और पूरा इंद्रप्रस्थ समेत अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी को युधिष्ठिर ने दांव पर लगा दिया था जिसमें वो भी हार गए। इसकी वजह से उनको 13 साल का वनवास के लिए जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अगर युधिष्ठिर में जुआ खेलने की आदत ना होती तो उन्हें देवता का दर्जा मिल जाता क्योंकि उनमें बाकी सारे गुण मौजूद थे, लेकिन जुए की लत के कारण उनके सारे गुण दब गए।